सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब भी उनसे जुड़े फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। और अब सुशांत सिंह राजपूत का एक पुराना वीडियो सबका खूब ध्यान खींच रहा है, जहां वो टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रश्मि देसाई के लिए गाना गाते और उनके साथ रोमांटिक डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को रश्मि के फैन पेज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसे फैंस भी खूब पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में रश्मि और सुशांत का अंदाज काफी मनोरंजक दिख रहा है। रश्मि देसाई और सुशांत सिंह राजपूत के इस वीडियो पर फैंस भी जमकर कमेंट कर रहे हैं। इस वीडियो में शो की होस्ट मोना सिंह सुशांत सिंह राजपूत से रश्मि के लिए गाना गाने और डायलॉग बोलने के लिए कहती हैं, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत रश्मि देसाई के लिए रोमांटिक गाना मेरे दिल में आज क्या है गाने लग जाते हैं, जिसे देखकर अंकिता लोखंडे थोड़ी परेशान हो जाती है। वहीं इसके बाद मोना सिंह सुशांत और रश्मि को साथ में रोमांटिक डांस करने की भी सलाह देती हैं, जिस पर दोनों ही कलाकार साथ में जबरदस्त अंदाज में थिरकने लग जाते हैं। इस वीडियो में रश्मि और सुशांत दोनों का ही अंदाज जबरदस्त लग रहा है। सुशांत सिंह राजपूत और रश्मि देसाई से जुड़ा ये वीडियो झलक दिखला जाता है, जो सबको खूब पसंद आ रहा है। और खास बात ये है कि इस वीडियो को अब तक 50,000 से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस तरह से सुशांत के फैंस उन्हें हर दिन याद करते रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से कई मामले सामने आ रहे हैं और सुशांत की खुदकुशी का मामला रोज एक नया मोड़ ले रही है। हाल ही में मुंबई पुलिस ने सुशांत का इलाज कर रहे 3 मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिक से पूछताछ की है। खबरों की माने तो सुशांत का इलाज कर रहे एक डॉक्टर ने पुलिस को बताया है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित थे और इसकी वजह से वो काफी परेशान थे। बाकी 2 डॉक्टरों ने बताया है कि सुशांत काफी तनाव में थे, लेकिन किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि सुशांत किस कारण से परेशान थे या उनके डिप्रेशन में जाने की वजह क्या थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक बीमारी होती है जिसमें मरीज के व्यवहार में बहुत तेजी से बदलाव आते हैं। इसमें मरीज के मन में भावनात्मक रूप से बहुत तेजी के साथ उथल पुथल होती है। वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक सुशांत सिंह को अपना इलाज करने वाले डॉक्टर्स पर भी विश्वास नहीं था। शायद यही वजह थी कि वो हर डॉक्टर से ज्यादा 2 या 3 बार ही मिलते थे और फिर डॉक्टर बदल दिया करते थे। सुशांत सिंह का इलाज कर रहे लगभग सभी डॉक्टर्स के मुताबिक सही समय पर अपनी दवाइयां नहीं ले रहे थे। आखिरी बार सुशांत जिस डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे थे वो उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट दे रहे थे और लॉकडाउन की वजह से अप्रैल के बाद सुशांत सिंह ने डॉक्टर से फोन पर ही सलाह लेना शुरू कर दी थी, लेकिन डॉक्टर का मानना है कि कुछ महीने से सुशांत सिंह डॉक्टर्स की सलाह को भी फॉलो नहीं कर रहे थे। वेल, सुशांत केस को सुलझाने में पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है।